ओम शांति। 23 फरवरी 2023 के शिव बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्से की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? उत्तर, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पाठ बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। आज का गीत, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्से को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ। अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं। कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। तो पहली पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। ये तो जानते हैं सब आत्मा है। पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, पतित दुनिया है ना। परमात्मा तो पतित नहीं होता, इसलिए मनुष्य को पहले पहले आत्मा को जानना है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है। आत्माएं खाती पीती सब कुछ करती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा तो नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बुरी अर्थात बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? कोई कहते हैं कि खोपड़ी से निकलती, कोई कहते आंखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। परंतु आत्मा है क्या चीज, यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं, आत्मा निकलती कैसे है? ये नहीं कहते आत्मा आती कैसे है। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये बातें
मोस्ट वंडरफुल हैं। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती, उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करती हूँ? भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार है, उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, ये बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है, वैसे ही परमपिता परमात्मा है, वह भी बाप है। भल यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, बाकी दोनों के पाठ में, संस्कारों में भेद है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार हैं, तुम आत्माओं में क्या संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया है। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी? उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी ना। गॉड का रूप क्या है? गॉडेस ऑफ नॉलेज ये नाम कैसे पड़ा? नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय अर्थात जगदीश भाई निमित्त रहे हैं। ये है नंबर वन मुख्य एक्टर। ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में भी रहना होता है। कल्प पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है ये कोई साइंस दान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परम आत्मा ही है, फर्क नहीं है। ये जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, बस ये फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं है बुझा हुआ, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है बाप और रचना की। अब तुमको नॉलेज मिल रही है, बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी नहीं है। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली? सरस्वती किसकी बच्ची है ये कोई जानते नहीं है। तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को कैसे समझाएं? बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है, उनको ट्रुथ भी कहते हैं। और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं, रचयिता एक बाप है तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही है। झाड़ का बीज रूप है ना, आत्मा तो चैतन्य है,
शरीर तो जड़ है, जब आत्मा आती है तब यह चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं, मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती, जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा है। फिर उनकी महिमा सबसे ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। ये तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है, हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ये महिमा दी गई है। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है, उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया है तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है, क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, शास्त्रों में दिखाते हैं अंगूठे मिसल है, हम कहते हैं वह ज्योतिर्बिंदु है, चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया है, बोलो नहीं तो क्या रखें, वह तो एक बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे, उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे, पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी ये समझते हैं कि वह है परम पिता परम आत्मा, परम धाम में रहने वाले। वह परम धाम है हमारा स्वीट होम, निराकारी दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं, आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावें, जहाँ ये ऑर्गन्स न हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है? ये तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक-एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं, वे किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेस कह ना सके, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्राह्मण, भल आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक दो को सावधान कर, उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र को याद करते हो, बाबा कहते हैं एक भी ऐसे सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है, इसमें तो बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं रात को भी जाग कर बाबा से बातें करते, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती हैं, कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। इसको कहा जाता है रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते हैं,
उन्हों को समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उन्हों को जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती, रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एज्ड वर्ल्ड दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं, बस गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला और खुश हो गए। तो उन्हों को सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर ये नॉलेज दे, नर से नारायण बनाया है। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो जरूर परमपिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया है। ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है, तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं, ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं, ब्रह्मा कहाँ से आया, ये रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है, जो तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है, बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान, स्वयं को संगमयुगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थात्मा भव। स्पष्टीकरण, यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके संगमयुगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे, तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। स्लोगन, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। ओम शांति।